समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक अगली और बड़ी खबर का हम जिक्र कर ले, जहां नियुक्ति का इंतजार कर रहे आरएएस भर्ती में चयनितों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पिछले 17 दिन से धरना दे रहे भावी अफसरों ने अब आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। इन भावी ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि सरकार ने अगर उन्हें जल्द नियुक्ति नहीं दी तो यहाँ से उनकी डेड बॉडी ही जाएगी। अनशन पर बैठे इन भावी ऑफिसर्स से बात की हमारे संवाददाता मदन कलाल ने। आरएस में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से खफा चयनित अभ्यर्थियों ने पिछले 16 दिन से धरना प्रदर्शन के बाद आज से क्रमिक आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में दिन रात ये अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की है। हम इनसे जानेंगे किस तरह की परेशानी है, सरकार से आपकी क्या वार्ता चल रही है। सर, सरकार से हमने हर स्तर पर वार्ता करके देख लिया, जहाँ भी जाते हैं DOP जाओ, RPC जाओ, हमारे को सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपका काम बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन हम लगातार 17 दिन से धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारे को कोई डेडलाइन नहीं दी गई है कि आपका काम इस दिन तक हो जाएगा। आप आज से आपने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है, लगातार उग्र होता जा रहा आंदोलन, आगे की क्या रणनीति है आपकी? सर, आगे या तो हमारे को सरकार ज्वाइनिंग लेटर देगी या हमारी यहाँ से डेड बॉडी उठा के ले जाएगी। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं इस आमरण अनशन में, जिन्होंने आज आमरण अनशन पर बैठे जी, किस तरह की चर्चा चल रही है सरकार से? और आप महिला हैं, रात दिन यहाँ पर धरने पर बैठी हुई? जी सर, बिल्कुल, हम 16 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं दिन रात, आज 17वां दिन है। सरकार के पास हम DOP में भी गए, RPSC में भी गए, वहाँ पर हमें यही सुनने को मिलता है कि आपका काम हो रहा है, जल्द हो जाएगा। लेकिन जब हम उनसे बोलते हैं कि आप हमें फिक्स एक टाइम फ्रेम बताओ, कब तक हमारा क्या डेट रहेगी, कितने महीने लगेंगे या कितने साल लगेंगे, तो उस पे उनका कोई वो स्पष्ट जवाब नहीं होता है। भावी अफसरों की ये स्थिति है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी? देखिए, सरकार पिछले 1.5 साल से किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रही है। हम बिल्कुल एक जागरूक नागरिक होने के साथ में इस राजस्थान के युवा हैं, हमें सोच के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब अधिकारी जो राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग धरने पर रात को बैठे हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं, तो जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते कि जनता के साथ कितनी बड़े स्तर तक अन्याय होता होगा, उनकी कहां तक सुनाई हो रही होगी। अगर सरकार नहीं सुनती है तो संपूर्ण प्रदेश का युवा इन अधिकारियों के साथ पे रोड पे उतरने को लिए तत्पर है, क्योंकि हम इनके साथ अन्याय सहन नहीं करेंगे। ये हैं चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार को साफ तौर पर चैलेंज किया है कि या तो सरकार उनकी मांगे माने या उनकी डेड बॉडी यहां से उठेगी। अपने सहयोगी इकबाल खान के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।